हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे। मैं हूं दीपेंद्र पाल, हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू मेक प्रो में आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऐसा तीनों प्रोजेक्ट। देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड है जिसको हम बनाने वाले हैं, और दोस्तों देख सकते हैं ये एक छोटा सा फैन है, देख सकते हैं ऐसे करके ये चलता है, तो इसको भी हम बनाने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा देख पा रहे हैं, इससे आपका दोस्तों मोबाइल का जो फोन का जो साउंड है स्पीकर का, उससे ज़्यादा साउंड आपको इसमें सुनाई देगा, तो इसको भी आज के वीडियो में बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तीन वीडियो इंक्लूड है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों हम ऐसा एक पीवीसी पाइप ले लेंगे। अब दोस्तों ऐसे हिक्सा ब्लेड के द्वारा इसको हम इधर से काट देंगे। काटने के बाद दोस्तों ऐसे हीटर की मदद से या हॉट एयर गन या गैस के चूल्हे में भी इसको आप हीट दे सकते हैं। हीट देकर इसको चैप्टर शीट बनाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने हीट देकर ऐसा एक चैप्टर शीट बना लिया है। अब दोस्तों स्किल की मदद से इसको हम पहले एक कटर की मदद से काट लेंगे। दोस्तों ऐसे एक प्लायर की मदद से इसको मोड़ देंगे जिससे बहुत जल्दी एक काट जाएगा आसानी से। तो दोस्तों इसको काटने के बाद इधर में आपको देख सकते हैं इसको लेना है, और इधर में इसका माप देख सकते हैं हमें 7 सेंटीमीटर का माप इसको लेना है। इधर में दोस्तों इसको 7 सेंटीमीटर का माप लेना है। स्केल के द्वारा हमें इसको देखिए मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इस साइड से हमको मार्क करने के बाद इस साइड से आपको माप लेना है। इधर में आपको 22 सेंटीमीटर का माप लेना है। इधर में भी आपको 22 सेंटीमीटर का माप ले लेना है। अब दोस्तों स्केल की मदद से इधर में भी मार्क कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों इधर में हमें स्केल की फिर से ऐसे कटर की मदद से इसको काट लेंगे, इधर में भी काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों ऐसे करके फोल्ड करेंगे जिससे अच्छे से कट जाएगा। तो दोस्तों काटने के बाद इधर में आपको फिर से माप लेना है। इधर में 5 सेंटीमीटर और दोस्तों इधर में 14 सेंटीमीटर। इस साइड में भी दोस्तों सेम प्रोसेस करके आपको माप लेना है, इधर में 5 सेंटीमीटर और दोस्तों इधर में 14 सेंटीमीटर। लेने के बाद दोस्तों इस साइड से आपको इधर में 1.5 सेंटीमीटर और दोस्तों इधर में भी 1.5 सेंटीमीटर का माप लेना है। देने के बाद दोस्तों स्केल के द्वारा इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे, देख सकते हो दोस्तों ऐसे करके मार्क करने के बाद दोस्तों इधर में मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसको हॉट एयर गन के मदद से ऐसे करके हीट देंगे। आप चाहे तो गैस के चूल्हे में भी इसको हीट दे सकते हैं, सेम होगा। अब दोस्तों इसको हीट देने के बाद ऐसे करके आपको फोल्ड कर देना है कुछ ऐसे। ऐसे फोल्ड करने के बाद दोस्तों एक कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर में भी फिर से ऐसे करके हीट देना है। देने के बाद दोस्तों इस साइड में जब हीट हो जाएगा इसको भी देखिए ऐसे उल्टा कर इधर में इसको ऐसे फोल्ड कर देना है दोस्तों ऐसे करके। अब दोस्तों इसको मदद से इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो दोस्तों एक कुछ ऐसा बन जाएगा, देख ही सकते हैं। अब दोस्तों इधर में भी हीट देंगे, आपको दाग से थोड़ा सा ऊपर में हीट देना है, देकर देखिए ऐसे करके आपको फोल्ड कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने फोल्ड कर दिया, हमने दाग से थोड़ा सा ऊपर में फोल्ड किया है इसको। तो दोस्तों इधर में आप कटेंगे मिडिल में, तो इधर में मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों हिक्सा ब्लेड के द्वारा इसको आसानी से काट देंगे, इस साइड में भी इसको काट देंगे। काटने के बाद दोस्तों एक कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर में हम देखिए फोन को कैसे स्टैंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टैंड हो जा रहा है, देख ही सकते हैं कोई भी बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से इधर में फिक्स हो रहा है। अब दोस्तों इधर में देख सकते हैं इधर से आप इसको चार्ज भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से काम भी कर सकते हैं मोबाइल में। अब दोस्तों ऐसा है देखिए दोनों डिब्बा ले लेंगे, देख सकते हैं गोल डिब्बा, आप पाइप भी ले सकते हैं पीवीसी पाइप। अब दोस्तों इधर में देखिए इसी में आपको एक पेपर काट लेंगे और पीवीसी पाइप को लेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे और मार्कर की मदद से इधर में 11 सेंटीमीटर और दोस्तों उस साइड में हमको 10 सेंटीमीटर का माप लेना है, ऐसे मार्क कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसको हमें काटना है, तो हिक्सा ब्लेड के द्वारा इसको हम आसानी से काट देंगे। काटने के बाद एक कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा, आप या हॉट एयर गन से या आप गैस के चूल्हे में भी इसको हीट दे सकते हैं।
तो हीट दे देंगे। देने के बाद दोस्तों इसको पहले तो हम इसको देखिए ऐसे राउंड शेप का एक बोतल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे राउंड दे देंगे। तो राउंड देने के बाद एक कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा देख सकते हैं पाइप की द्वारा। तो इधर मैं ऐसे मोबाइल के माप से पहले मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। अब दोस्तों मोबाइल का जो थिकनेस है उसी के माप से इधर मैं ऐसे करके लेंगे और मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों ऐसे कटर की मदद से इसको काट देंगे। तो काटने के बाद दोस्तों एक कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा। अब इधर में ऐसे करके प्रेस करेंगे और फेविक्विक लगा देंगे। अब दोस्तों इधर में भी ऐसे प्रेस करेंगे और फेविक्विक लगा देंगे। तो दोस्तों एक कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। अब दोस्तों जो हमने डिब्बा ले जाया था उसको लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इधर में कुछ इस साइड में इसको रखेंगे और मार्कर की मदद से आसानी से इसको मार्क कर देंगे चारों साइड में। इसको दोस्तों मार्क करने के बाद दोस्तों जो हमें मार्क मिलेगा इसको हमें काट लेंगे कटर की मदद से। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों इसके इसमें भी काट लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा और इस पाइप को भी ले लेंगे। अब दोस्तों इसको इसके अंदर घुसा देंगे, इसको भी इस छेद के अंदर घुसा देंगे। घुसने के बाद दोस्तों इसको कुछ ऐसे करके रख कर इधर में आपको दोस्तों फेविक्विक से इसको ऐसे चिपकाना है। तो दोस्तों चिपकाने के बाद एक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ हमारा बन चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छे से इधर में साउंड चेंज हो रहा है। देख ही सकते हैं आप, इसके कान में सुन लीजिए कैसे साउंड ज़्यादा हो रहा है। अब दोस्तों ऐसे एक मोटर ले लेंगे, ये 4 वोल्ट या 5 वोल्ट का मोटर है। अब दोस्तों इधर में देख सकते हैं ऐसे एक 10 सेंटीमीटर का ऐसा एक पीवीसी पाइप ले लेंगे, इसको हीट दे देंगे ऐसे करके। अब गैस के चूल्हे में भी हीट दे सकते हैं। अब उसको दोस्तों ऐसे फोल्ड कर देंगे बीचों बीच। फोल्ड करने के बाद दोस्तों ऐसे प्लायर की मदद से 1.5 इंची पर पकड़ेंगे इसको और दोस्तों ऐसे करके हीट देंगे। देने के बाद दोस्तों जो हीट देने के बाद मोटर को ऐसे इसके अंदर कुछ घुसा कर ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे, देख सकते हैं ये दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप है और दोस्तों इधर में देख सकते हैं 1.5 इंच का। तो ऐसे करके दोनों को एक साथ लेंगे, जॉइंट कर देंगे फेविक्विक की मदद से, जैसे चिपका देंगे। तो दोस्तों ऐसे दोनों पीस हमें मिल जाएगा, देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इसको फिर से एक पीवीसी पाइप लेंगे 6 सेंटीमीटर का और इसको ऐसे हीट देंगे। देने के बाद दोस्तों इसको भी इधर में बीचों बीच फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों अच्छे से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों प्लाई के मदद से इसको ऐसे पकड़ेंगे 1.5 इंच का या 1/2 इंच का माप पे और दोस्तों इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों इसको ऐसे करके घिस लेंगे, इसको भी ऐसे घिस लेंगे, इसको भी घिस लेंगे। लेने के बाद दोस्तों एक कुछ हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर में एक छेद करना है, इधर में भी, और दोस्तों इधर में भी, इधर में भी, और दोस्तों इधर में एक छेद करना है और इधर में भी एक। तो दोस्तों एक कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर इसको रखेंगे और स्क्रू ऐसा लेंगे, देख सकते हैं, और दोस्तों अच्छे से इसको कस देंगे। इसको भी ऐसे लेंगे, स्क्रू लेंगे और दोस्तों अच्छे से कस देंगे। और दोस्तों इसको भी ऐसे लेंगे और स्क्रू लेंगे और अच्छे से कस देंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों इसी माप का हमें दोनों पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है। अब दोस्तों इसी माप का हमें लेना है, देख सकते हैं ऐसे छोटा छोटा पीस। अब दोस्तों इसको चिपकाएंगे कुछ ऐसे, देख सकते हैं दोस्तों ऐसे करके आपको फेविक्विक से चिपका देना है। इस तरह से भी दोस्तों इसको चिपकाना है फेविक्विक से। दोस्तों इस साइड में भी एक टुकड़ा चिपकाना है और दोस्तों इस साइड में भी एक टुकड़ा चिपका देना है। तो दोस्तों ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। अब दोस्तों ऊपर जो पीस है उसके ऊपर इसको लगाएंगे, एकदम बीच में लगाएंगे, फेविक्विक से चिपका देंगे। तो दोस्तों इस मोटर को इधर में फिक्स करेंगे और फेविक्विक इसे अच्छे से चिपका देंगे। अब दोस्तों इधर में सोल्डरिंग करेंगे, देख सकते हैं ऐसे करके सोल्डरिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों वायर को इधर में सोल्डरिंग करेंगे। करने के बाद दोस्तों इसको इधर में चिपकाएंगे,
तो इधर में चिपकाने के लिए दोस्तों फेविकोल से इसको चिपकाएंगे और दोस्तों नीचे में भी इसको फेविकोल से चिपका देंगे। अब दोस्तों इस साइड में भी इसको चिपकाएंगे और नीचे में भी चिपका देंगे फेविकोल से। अब दोस्तों इधर में एक होल करेंगे छोटा सा, इस वायर को इधर से बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब दोस्तों ऐसे एक स्विच लेंगे, इसको दोनों साइड को ऐसे मोड़ लेंगे। अब एचडीएफसी स्विच भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इधर में लगाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बैंड कर देंगे। अब दोस्तों इधर में सोल्डर से सोल्डर कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब दोस्तों इस येलो वायर को इधर में सोल्डर करेंगे और एक येलो वायर लेंगे इधर में सोल्डर कर देंगे। अब दोस्तों इधर में एक होल करेंगे, करने के बाद दोस्तों ऐसे फीमेल जो जैक होता है उसको ले लेंगे चार्जिंग केबल। अब दोस्तों इसको देखिए ऐसे दोनों बैटरी को हम इधर में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये 3.7 वोल्ट बैटरी है, देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी। अब दोस्तों इसका जो चार्जिंग केबल है इसके साथ इसको सोल्डर कर देंगे पॉजिटिव और इसमें इसको नेगेटिव। करने के बाद दोस्तों जो हमारा फैन का जो तार है उसको भी सोल्डर कर देंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से पैक कर देंगे। करने के बाद दोस्तों इसको इसके ऊपर रखेंगे और फेविकोल इससे अच्छे से चिपका देंगे। तो अच्छे से फेविकोल मैं दे देता हूँ, सारे जॉइंट को आपको अच्छे से फेविकोल देना है। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आपको पक्का मिल जाएगा कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में। तो दोस्तों आप इसको कोई भी साइड में मूव कर सकते हैं, ऐसे बैंड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आवाज सुनकर आप समझ जाएंगे कि इतना स्पीड ये दे रहा है। इसे दोस्तों ये बहुत स्पीड दे रहा है, मैं आपको अच्छे से टेस्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत स्पीड से ये चल रहा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा हवा देता है। तो दोस्तों ये तीनों प्रोजेक्ट का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी आपके मन में सवाल है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।